खबर जबलपुर से है, जहां जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर खितौला घाट में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पूजन सामग्री का विसर्जन करने गई युवती और दो किशोर डूबने लगे, जहां शोर शराबा सुनकर एक किशोर को तो बचा लिया गया तो वहीं युवती सहित दो की डूबकर मौत हो गई। एक ही मोहल्ले के दो लोगों की मौत से मातम पसरा हुआ है। खितौला पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 16 बरा मोहल्ला के रहने वाले सुनील कुमार दुबे के यहाँ गुरुवार को पूजन था, जिसमें शामिल होने मोहल्ले के श्रवण तिवारी का बेटा कृष्णा तिवारी 16 वर्ष और प्रदीप दुबे का बेटा अभय दुबे 16 वर्ष भी पहुंचे थे। शाम 7 बजे लगभग सुनील की बेटी आस्था 18 वर्ष के साथ दोनों खितौला घाट पर पूजन सामग्री का विसर्जन करने गए थे, जहां अचानक आस्था का पैर फिसल गया और वो गहराई में डूबने लगी। ये देखकर पहले कृष्णा और फिर अभय उसे बचाने में उतरे। इसमें दोनों युवक भी डूबने लगे, जहां आसपास के लोगों ने अभय को तो बचा लिया लेकिन कृष्णा और आस्था डूब गए। इस हादसे की खबर तीनों के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। हादसे के बाद खितौलाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय गोताखोरों की मदद से पहले कृष्णा और फिर आस्था का भी शव निकाला गया। दोनों के अचानक मौत होने से पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा था। पुलिस ने मार्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आस्था और कृष्णा के शवों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद उनका शव घर वालों को सौंप दिया जाएगा। दोनों का ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अभय भी इस हादसे के बाद से सदमे में है। मौत के मुंह से निकलने के बाद अभय को फिलहाल सिहोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जाती है। वहीं अभय घटना का जिक्र करते ही रोने लगता है। अभय और कृष्णा दोनों ही गहरे दोस्त थे।